फ्रेंड्स, तो मेरी धूप बत्ती पूजा पाठ हो गई है, शावर भी मेरा हो गया है, तो मैं आपको मिलवा ही देती हूँ जी साईं जी से। तो आप वेट कर रहे हो गए जी, तो मैं आपको कोशिश करूँगी मैं डेली आपको दर्शन करा दूँ जी साईं जी के, कन्हैया जी के। तो ये देखो जी साईं जी के दर्शन कर लो आप लोग, ये मैंने धूप बत्ती कर ली है जी इधर। तो इधर कन्हैया जी बैठे हैं जिनकी, ये है जी कन्हैया जी, एक कन्हैया जी, दो कन्हैया जी। तो कन्हैया जी से भी मैंने दर्शन करा लिए, साईं जी से भी दर्शन करा लिए। तो अब मैं जा रही जी सीधा, रू के पापा ने खाना हो गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, इनको मैंने नहाने से पहले दे दिया था, चावल शुगर हो गया जी, ये सारा अभी काम पड़ा है फ्रेंड्स। तो अब मैं जा रही जी चाय बनाने अपने लिए। तो इधर मैंने बना रही है जी चाय, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इधर मैंने परांठी ले ली है जी अपने लिए, दो परांठी। तो पहले करते हैं जी ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह की उठी हुई जी, सारी रात से बारिश हो रही है जी। आज हमारे पसंद पसंद से हो गए जी लतपत, तो ये कि थोड़ी सी गर्मी गर्मान निकल रही है जी, अगर लगातार बारिश रहेगी तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही जी। तो ऐसी बारिश होती रहे जी, बच्चों को भी राहत मिली है, बच्चे स्कूल चले गए हैं जी, आंखें लाल हो गई है। तो उनके पापा बाहर बैठे हैं जी, तो मैं उनसे आपको मिलवाते हूँ जी। तो ये रहे जी रूई के पापा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये हो गई जी तैयार, इन्होंने रोटी राटी खा ली है जी। तो अब मैं करती हूँ जी, तो इधर भी आपसे मैं मिलवा देती हूँ जी साईं साईं बाबा जी से। तो इधर आपको ज़्यादा नहीं आ रही, इधर बाबा बालकनाथ वगैरह भी है जी, ये देखो जी, ये हैं जी कृष्ण राधा, बाबा बालकनाथ और साईं जी। तो मैं सब भगवान सबको सुबह सुबह मिलवा देती हूँ जी, क्योंकि आपने आप भी दर्शन कर लो जी यहाँ पे बैठे बैठे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ले लेती हूँ जी अपने लिए ब्रेकफास्ट, सारे भगवानों के दर्शन हो गए जी, और आपके भी मैंने करा लिए हैं साथ में। तो अब पी लेते हैं जी चाय, और परांठा, आलू के परांठे बनाए जी मैंने सुबह सुबह, तो खा लेते हैं जी पहले खाना, फिर करेंगे जी घर का काम शुरू। तो आ जाओ फ्रेंड्स, आप भी खा लो आलू के परांठे, इस मौसम में अच्छा सा मौसम है, आलू के परांठे ऐसे मौसम में खाने का, ऑयली चीज़ें खाने का मन करता है, जो ज़्यादा गर्मी हो तो फिर ना बनाने का मन करता है ना कुछ खाने का मन करता है फ्रेंड्स। तो अब मैं जाती हूँ जी अपना ब्रेकफास्ट लेके। तो रू के पापा ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है फ्रेंड्स, जब मैं नहाने गई थी तो इनको मैंने। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं जी स्कूल, तो अब रू के पापा कर रहे हैं जी धूप बत्ती, और अब वो चाय प्रसाद उन्होंने बना दिया है जी। तो अब वो जाएंगे जी मंदिर, मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के परांठे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, आलू, मिर्च, प्याज, अजवाइन, हींग और मसाले, जो भी आपके पास मसाले अवेलेबल हैं। आपको मैंने पहले भी रेसिपी दी आलू के परांठे की, बहुत अच्छी जी, देख लो मैंने प्याज ऐड किया है, मेरा कोई भी पराठा फट नहीं रहा है जी, जो आपको मैं दिखा देती हूँ। इधर भी मैंने बना के रखा है जी पेड़ा, इधर आप देख सकते हो जी कोई नहीं फट रहा है। तो मैं पहले रोटी बना लेती हूँ फ्रेंड्स, तो ये लेट ना हो जाए, बाहर मौसम है जी इतना अच्छा, बारिश हो रही है। तो बना लेते हैं जी खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रेंड्स। तो ये देखो जी रूही कन्नू हो गए जी, आज जल्दी जल्दी तैयार, आज ये लेट उठे जी, सो के 7 बजे सो के उठे, और इनको जल्दी जल्दी नहलाया जी, जल्दी जल्दी तैयार किया, फटाफट उठती रही है जी। की हुआ, चलो कोई ना, गुड मॉर्निंग बोलो रूही, गुड मॉर्निंग बोलो, सत श्री अकाल। रूही चली गई है जी बाहर, तो कन्नू है हो गई जी इधर तैयार। तो मैंने इनके बैग बुक पैक कर लिए जी, टिफिन टुफिन पैक कर लिए, रोटी पानी इनके लिए मैंने पैक कर लिया है। अब हम कर रहे हैं जी बस का वेट। तो बारिश हो रही है जी बाहर ज़ोरदार, बहुत अच्छा मौसम है फ्रेंड्स, तो इतना अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा। हेलो हाय फ्रेंड्स, तो काम काज सारा डन हो गया है जी। तो बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज 1 बजे दोनों साथ आएगी, स्कूल से फ़ोन आया था कि बारिश की वजह से बार बार बच्चों को दिक्कत ना है, कम बच्चे आए हैं, तो बच्चे एक साथ ही बस में आएंगे। तो कन्नू भी आज 1 बजे आएगी जी, दोनों 1 बजे आएंगे, तब तक मेरा काम हो गया जी डन, सारा काम मैंने फिनिश कर लिया फ्रेंड्स। तो आपको मैं दिखाती हूँ जी,
तो इधर से सारा काम हो गया है जी, डन। किचन किचन सारी साफ सफाई हो गई है जी, तो मैंने बर्तन भांडे भी धोकर रख दिए हैं फ्रेंड्स। इधर इधर सारे बर्तन भांडे धो दिए जी, इधर मैंने रख दिए जी राजमा भिगो के, थोड़ी सी उसके लायक ही राजमा भिगो के रखी है, और मैंने राजमा चावल खाना है। इधर सकते हो ये वाले कमरे की भी जी हो गई है साफ सफाई सारी, तो ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। तो इधर जी इधर भी हो गई है सारी साफ सफाई फ्रेंड्स, फिर आप देख सकते हो जी डस्टिंग वस्टिंग सारी हो गई जी, बेड वुड सारा साफ हो गया है फ्रेंड्स। तो अब मैं कर रही हूँ जी बच्चों का वेट, मैंने खाना पीना सुबह का बना है फ्रेंड्स। तो बच्चे ज़्यादा फ्रेंड्स कुछ खाते नहीं है वैसे फालतू, तो अब मैं कर रही हूँ जी बच्चों का वेट, बच्चे आएंगे तो सुबह के बने हैं जी आलू के परांठे, तो हम लोग उसी से खा लेंगे जी। शाम के लिए मैंने भिगो के रख लिए जी राजमा, और वो शाम को लेके आएंगे जी वेजिटेबल। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, पसीने पसीने से मेरे बुरे हाल हो गए जी, बर्तन भांडे धो के पता नहीं गुम्मसी हो गई है जी, बारिश रात भर तो लगातार थी फिर भी गुम्मसी हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गुम्मस हो रही है। और तो दोपहर का खाना हमारा बना है, बस मैं बच्चों का वेट कर रही जी, बच्चे आते हैं फिर हम ब्रेकफास्ट फिर हम सॉरी लंच करते हैं जी। तो फ्रेंड्स रूही कन्नू आ गई हैं जी स्कूल से, तो क्या पढ़ा बेटा आज? आज इनकी होगी जी जल्दी छुट्टी 1 बजे। किस चीज़ का टेस्ट हुआ था? तो आज था जी इसके मैथ का टेस्ट, देखते हैं फ्रेंड्स क्या किया इसने, नीचे देखो तो आपने क्या लिखा है बेटा? मैंने नहीं, कोई बच्चे ने गलत लिखा था, इन कोई बच्चे ने इसमें ना 2 लिख लिया, तो मैंने लिखा नहीं अगर फिनिश होएगी ना 2। तो आज था जी इसका मैथ का टेस्ट, पूरे के पूरे नंबर मिले जी 25 में से 25, एडिशन भी हुआ प्लस माइनस का। मैंने इसमें लाइन लगाई थी तभी मैंने गिना। तो फ्रेंड्स ये देखो जी इसके आगे पूरे नंबर, कन्नू भी आ गई जी, देखो जी अभी ड्रेस चेंज करती है जी। नहीं जब मेरी जल्दी छुट्टी। और किस चीज़ का टेस्ट था? तो मैथ का, हिंदी का दिखा दो। तो मैथ का हो गया जिसका, मैथ में इसके पूरे नंबर आए, हिंदी में देखो फ्रेंड्स क्या कैसे नंबर आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अभी इसके। तो फ्रेंड्स हिंदी में आए जिसके 7 नंबर, हिंदी में ये बहुत ही ज़्यादा वीक है जिसको क्यों मात्रा का पता नहीं लगता है। फ्रेंड्स 10 में से आए जिसके 7 नंबर, ये हिंदी की मात्रा का पता नहीं लगता है, इतना मैंने कराया था रविवार, मैंने सिखाया कल इतना बहुत ज़्यादा, तो मैं कल इसको सिखा के हटी जी सारा कुछ, फिर भी इसने गलत किया है जी। तो फ्रेंड्स अब मैं इनको दे देती हूँ जी खाना, तो मिलते हैं जी थोड़ी देर में। ये देखो जी आते ही इसने अपना क्या क्या निकाल दिया है कन्नू ने, यहाँ पे कार्ड निकाल दिया। अच्छा बेटा ड्रेस चेंज करो पहले। तो मौसम है फिर से गुमसी हो गई है जी फ्रेंड्स, तो आ जाओ ड्रेस खोलो पहले, फिर इनको पहले खाना दे देते हैं फ्रेंड्स। फिर मैं ये देखो जी कपड़े कुपड़े पहने ही नहीं, अभी ऐसे ही घूम रही है। तो फ्रेंड इधर मैंने मसाले ले लिए, तब तक मैं मसाले कर लेती हूँ। राजमा मैंने चढ़ा दी हैं, बच्चों को आके भूख लग जाएगी फ्रेंड्स, तो कभी वो खाना मांग लेगी और फिर उसके बाद नहीं तो उनका सोने का हो जाता जी, बच्चा भूखा सोए तो ये तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। तो मैंने दाल राजमा चढ़ा दी है, तो मसाला मसूला हो गया जी मेरा डन। तो तड़का मैं आके मारूंगी जी जब बच्चे आएंगे, क्योंकि अब बच्चों को लेने जाऊंगी फ्रेंड्स, टाइम होने वाला है, दाल मेरी अभी पक रही है फ्रेंड्स, तब तक मैं कुछ और काम करती हूँ, क्योंकि अदरक नहीं है फ्रेंड्स, अदरक का था फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जी। देखो जी राजमा बनके हो गई है जी मेरी रेडी, अब देख सकते हो जी कैसे कलर आया, ग्रेवी इसमें ज़्यादा रखा करो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ग्रेवी में ही टेस्ट होता है जी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखी है, क्योंकि फ्रेंड हमने बनाए हैं चावल उसको खाने के लिए फ्रेंड्स। तो बच्चे उधर खेल रहे हैं, बच्चों से हम बढ़िया रख रहा है गाइस। गर्मी के टाइम में बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल काम है, आप देख लो एक हमारी वाइफ कैसे लगी हुई है गर्मी में छोटे से किचन में, देखो कैसे स्वेटिंग हो रही है, बट क्या करें, रूटीन का काम ही करना ही पड़ेगा।